हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से सोमवार को मुलाकात करने गए आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह और विधायक राकेश विडलान पर एक शख्स ने काली स्याही फेंक दी। यह घटना पीड़ित के गांव के बाहर हुई। जानकारी है कि आरोप के नाम दीपक शर्मा है, जो एक हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। घटना की जो फोटेज सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि आप सांसद गांव के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, इसी दौरान काली शर्ट पहने एक शख्स आता है और सांसद पर काली स्याही फेंक देता है। आरोपी ने स्याही फेंकने के बाद नारे भी लगाए। बता दें कि संजय सिंह और राखी बिडलान 5 लोगों को डेडिकेशन के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। कई दिनों तक हाथरस के पीड़िता के गांव में पुलिस को घेरबंदी में रखने के और मीडिया पर रोक लगाने के बाद पुलिस ने शनिवार के बाद यह रास्ता खोले हैं। इसके बाद कई पार्टी और संगठनों ने पीड़ित परिवार को से मुलाकात भी की। सबसे पहले यहां पर कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे थे। बता दें कि रविवार को यहां पर सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियंस, अखिल भारतीय कृषि मजदूर संघ और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे थे, जिन्होंने पीड़िता परिवार के न्याय के लिए लड़ाई के साथ खड़े होने की बात की। हालांकि इस केस में पुलिस कईयों पर कार्यवाही भी कर रही है। नोएडा पुलिस ने पिछले हफ्ते हाथरस जाने की कोशिश करने वाले प्रियंका और राहुल गांधी पर महामारी एक्ट के केस दर्ज किया था। इसके अलावा भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद समेत पार्टी के करीब 400 कार्यकर्ताओं पर हंगामा करने का, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में सोमवार को केस दर्ज किया गया है। बता दें कि चंद्रशेखर रविवार को कार्यकर्ताओं के साथ पीड़िता के गांव पहुंचे थे। पुलिस ने पहले जो उन्हें पीड़िता के परिजनों से मिलने नहीं दिया, लेकिन काफी हंगामे और लाठीचार्ज के बाद आजाद समेत 10 समर्थकों को अनुमति दे दी गई। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।